Hello everyone. Hi. This is Shinjin. This is Devanjali. And like every episode, आज तो बहुत कुछ कहने के लिए है. पर I am really very much happy. I'm really very happy, you know, क्योंकि आज के episode बहुत दिनों से है. सच में कह रहा हूँ. मतलब कैसे आप लोगों को विश्वास दिलाऊं कि एक एक साड़ी हम लोगों ने बहुत सोच समझ कर ध्यान से एक एक करके अलग रख कर मतलब कलेक्ट करके आप कह सकते हैं आज के एपिसोड के लिए रखा हुआ था. और फाइनली वो एपिसोड आज बन रहा है ढाई महीने बाद, क्योंकि एक एक करके साड़ी आने में टाइम लगता है. तो फाइनली आफ्टर 2.5 मंथ्स हम लोगों ने एग्जैक्टली पूजा का सीजन से पहले आज के एपिसोड मैनेज कर लिया है. और आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आज का एपिसोड थोड़ा ध्यान से देखिएगा. मतलब ऐसे फास्ट फॉरवर्ड या स्वैप करके मत देखिएगा, क्योंकि आज का जो साड़ी है वो आप अगर नहीं भी खरीदे, पर हम लोगों का कारीगरी या हमारे कारीगरों का जो मेहनत है वो देखने के लिए ही आज का एपिसोड थोड़ा पूरा देखने का कोशिश कीजिए. आपको एपिसोड में दिख ही रहा होगा कि ये कितने मिनट का एपिसोड है, तो थोड़ा टाइम लेकर के फ्री टाइम में आप इस एपिसोड को देखें और कंटिन्यूअस देखें, काट काट के नहीं. ये हम दोनों की आप सभी से विनती. एग्जैक्टली. तो आज का जो एपिसोड है वो जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा. लाइक एवरी अदर एपिसोड मुझे पता है कि आप लोग ज्यादा देखते नहीं है, ऐसे ऐसे कट करके सिर्फ साड़ियाँ क्या क्या दिखा रहे हैं वैसे ही देख के निकल जाते हैं. तो आज के एपिसोड वैसे देखेंगे तो सच में मिस करेंगे आप लोग. तो प्लीज़ आज के एपिसोड ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है. अगर टाइम नहीं है तो जब देखिएगा टाइम ले कर देखिएगा, अगर टाइम नहीं है तो अभी मत देखिए. तो ऐसा बात है. और बात और एक भी है कि आज के एपिसोड का जितने भी साड़ियाँ हैं वो हम लोगों का, मैंने जो लूम सेट किया था फ्यूजन स्टूडियो का आज से 2 साल पहले, उसमें से एकदम सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वीवरों से ही हम मैंने ये सब डिजाइंस तैयार किए हैं. क्योंकि डिजाइंस देख के ही आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें मेहनत कैसा है, वर्क का फिनेस कैसा है और दिल लगा कर काम किया है. मतलब प्यार से काम किया है, नहीं तो ये वाला काम हो नहीं पाएगा. क्योंकि ये काम रोबोट की तरह तो होगा नहीं, ये जो काम है इस काम को प्यार से करना पड़ेगा तो ही ये ऐसा वर्क का फिनेस आएगा. तो मोस्ट ऑफ देम आर 15 इयर्स और मोर देन लाइक वर्क एक्सपीरियंस का ही वीवर को मैंने ये सब डिजाइंस तैयार करने के लिए दिया था. और वो सब बहुत ही मेहनत वाला है एंड बहुत प्यार करते हैं इस कारीगरी को. और नॉट जस्ट लव, केयर आल्सो. सो दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम देम एज वेल, कि उनसे मैंने सीखा है कि इतने सालों का जो उन लोगों का मेहनत है वो प्यार में कैसे बदल जाता है जब साड़ी बन जाता है. सो आई रियली वांट यू टू सी द होल एपिसोड. एंड प्लीज प्लीज प्लीज, और एक बात भी है कि आवर लव फॉर साड़ीज शोज इन आवर प्रोडक्ट. शिंजन एंड देवांजलि का ये कहना है आज के एपिसोड के साड़ियों के साथ ये बात साबित हो जाएगा. आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा. और बहुत ही मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स में से है मेरा कोरा फैब्रिक. तो बनारसी का बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट जॉनर ऑफ साड़ीज होते हैं, उनमें से कोरा बनारसी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वीविंग, वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल यू नो फैब्रिक, जो कि समर टाइम में भी आप लोग पहन सकते हैं एंड थ्रू आउट द ईयर पहन सकते हैं. एंड मेंटेनेंस बहुत ही लो है, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा साड़ियाँ हैं. एंड चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं, क्योंकि बोलने के लिए तो मेरे लिए पास यू नो लफ्जों की कमी नहीं है, बहुत बोल सकता हूँ, क्योंकि जितना भी बोलूँ आज कम होगा. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडू आज के एपिसोड शुरू करते हैं. चलिए देख लेते हैं आज का कोड़ा बनारसी का नक्शाए मुगल का वॉल्यूम 2 में आप लोगों के लिए क्या क्या डिजाइन लाए हैं. और नक्शाए मुगल का एपिसोड जब हम लोग करते हैं यू नो इट्स ऑल अबाउट हेरिटेज ऑफ बनारस. सो बनारस का जितने भी हिस्ट्री बुक्स हैं वही से हम लोग नक्शाए देते हैं और वही नक्शे को हम लोग साड़ियों में इम्प्लीमेंट करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं नक्शाए मुगल वॉल्यूम 2 का एपिसोड कोड़ा बनारसी के ऊपर. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज है नक्शा मुगल का वॉल्यूम 2.
वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू के बीच में फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो वॉल्यूम वन था उसमें हमने बहुत से डिफरेंट फैब्रिक्स के ऊपर मुगल नक्शे के बनारसी साड़ीज दिखाए थे, जिसमें कतान था, मुगा सिल्क था, खड्डी था। पर आज का जो एपिसोड है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ फैब्रिक जो कि है कोरा। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका फेवरेट बनारसी का फैब्रिक कोरा ही है, और स्लोली स्लोली मेरा भी हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कोरा का, इसमें बनारसी का काम बहुत अच्छा खिलता है। एक एक साड़ी देखेंगे तो आप लोगों को बहुत इजीली इस चीज को डिटेल में समझा पाएंगे हम लोग। और सेकंड ऑफ ऑल वेरी कंफर्टेबल, और अगर जिन लोगों को हैवी साड़ी पहनने में थोड़ी दिक्कत होती है, या आप लोगों को सिर्फ इस कारण से कि बनारसी साड़ी बहुत हैवी होते हैं आपको आप लोग अवॉइड करते हैं, तो कोरा बनारसी इज द यू नो परफेक्ट काइंड ऑफ साड़ी फॉर यू। आप बनारसी भी पहन रहे हैं और ऊपर से बहुत कंफर्टेबल और गॉर्जियस भी हो रहा है एट द सेम टाइम। सो हर एक साड़िया इज हैंड पिक्ड बाय द टू ऑफ अस, एंड एवरी साड़ी इज ब्यूटिफुली हैंड क्राफ्टेड बाय आवर एक्सपीरियंस्ड वीवर्स। और लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ नक्शा मुगल वॉल्यूम टू विद ऑल दिस ब्यूटिफुल साड़ीज दैट वी हैव सिलेक्टेड फॉर यू। So, like Devanjali said, we will start showing you the saris, Naksha-e-Mughal, volume 2. So, this is the first sari, kyunki festive season aa raha hai, and Devanjali ko ye color combination dikhane ka sabse zyada man tha, ke aaj ke episode mein start karenge hum log golden and red color combination mein. एकदम नया साड़ी है, आप लोग देख सकते हैं, दीज आर ऑल लेटेस्ट अराइवल्स, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दिस इज बेस्ड ऑन टिशू कोरा, या कोरा के साथ टिशू का कम्बिनेशन है, एंड ऑल द डिज़ाइंस आर टेकन फ्रॉम हेरिटेज बनारसी, हिस्ट्री ऑफ बनारसी बुक्स, वहाँ से हम लोग डिज़ाइंस लिए हैं। यहाँ पर मैं क्लोज अप दिखा रहा हूँ, ऑल द जरीज विच वी हैव यूज्ड इज़ द फाइन क्वालिटी, एंड यहाँ पर देखिए मीनाकारी वर्क है, यहाँ पर सिल्वर नहीं है, थोड़ा वाइटिश टोन का जरी है, और उसके साथ मैट फिनिश्ड गोल्डन जरी का इस्तेमाल है। दिस इज़ द आंचल ऑफ द साड़ी, एंड यहाँ पर मैं थोड़ा वाइट दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द आंचल ऑफ द साड़ी, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। This is a cross shade of orange and pink. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, you will get this orange and pink cross shade, और उसके साथ ये आपको आंचल में मिल जाएगा पूरा traditional work, और यहाँ पर जितना भी floral जाल का work है उसमें हर एक work में आपको मीनाकारी नज़र आएगा। And अभी चलते हैं body के ओर, यहाँ पर देख सकते हैं golden tissue का fabric है, उसके साथ कोड़ा का you know combined weaving है। The you know base fabric of the sari is tissue and kora ka combination. यहाँ पर देख सकते हैं बूटा का पूरा, हर बूटा कड़ियल बूटा है, all the बूटाज are कड़ियल बूटा, पूरा hand woven बूटाज है, and यहाँ पर भी मीनाकारी work है, and you can see the zari finishing also, not too shiny, not too matte, just perfect, just suited, you know perfectly suited for this sari. Throughout the sari में ये आपको narrow border इस side में मिल जाएगा, एंड यू विल गेट दिस वाइट बॉर्डर दिस साइड। मैं अभी आप लोगों को थोड़ा वाइट व्यू दिखाऊंगा। दिस इज द आंचल पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बॉडी। यहाँ पर मैं क्लोज अप दिखा रहा हूँ, दिस बॉर्डर हैज़ अ यू नो पिंक एंड ऑरेंज का क्रॉस शेड, एंड पल्लू भी आपको रेड में आएगा, पल्लू रेड में आएगा। यहाँ पर जो पल्लू है दिस विल कम इन रेड, पर बॉर्डर में आपको थोड़ा रेड के साथ पिंक का एक क्रॉस शेड मिल जाएगा, एंड थोड़ा कुछ कुछ लाइट में आपको यहाँ पर ऑरेंजेस टोन भी नज़र आ सकता है, क्योंकि यू नो इरिडिसेंट कलर कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑरेंज का टिंज भी मिलेगा, पर बेसिकली इट्स अ क्रॉस शेड ऑफ रेड एंड पिंक, तो बहुत ही डिफरेंट है। और यहाँ पर देखिए पूरा हम लोगों ने इंटरलॉक से ज्वाइन किया है, पूरा बॉर्डर जो है बॉडी के साथ इंटरलॉक वीविंग पे ज्वाइनिंग है, यहाँ पर कोई पैच का वर्क नहीं है, एंड द बॉर्डर ये जो है ये कतान में आएगा, बॉर्डर पूरा कतान में आएगा, एंड इसके साथ आप लोग देख सकते हैं रेड के साथ पिंक का क्रॉस शेड, और कुछ कुछ एंगल्स में आपको ऑरेंज का भी क्रॉस शेड दिखेगा, पर पल्लू जो है ये पूरा रेड में आएगा, एंड यहाँ पर
अगेन सेम क्रोशेड ऑल ओवर साड़ी देख लेंगे अभी हम लोग, थ्रू आउट द साड़ी हम लोग अभी देख लेंगे। बहुत ही प्यारा साड़ी है, बहुत ही प्यारा पीस है मेरा। एंड आज का जितने भी साड़ियाँ आप लोगों को दिखाएंगे ऑल आर हैंड पिक्ड बाई टू ऑफ अस। एंड थ्रू आउट द साड़ी में हम लोग ये बूटा का वर्क जो है ये ऑल ओवर साड़ी में जाता है, ये जो बूटा का वर्क है ये पूरा ऑल ओवर साड़ी में जाता है। अभी हम लोग ब्लाउज पीस की तरफ जाएंगे, ब्लाउज पीस भी आ गया। एंड ब्लाउज पीस में भी आपको ये रेड एंड पिंक का क्रॉस स्टोन मिलेगा। तो रेड एंड पिंक का क्रॉस स्टोन है एंड यहाँ पर बॉर्डर दिया हुआ है जो आप लोग स्लीव्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पीस। और आप लोग अग्री करते हैं कि नहीं प्लीज़ कमेंट में मेंशन करके बताइएगा। यू विल गेट द सिल्क मग सर्टिफिकेशन एंड द प्राइस इज 25,360। तो जो साड़ी फर्स्ट दिखाए हैं वही सेम साड़ी का, ये वो रेड के साथ पिंक का क्रॉस शेड था, ये पिंक के साथ ऑरेंज का क्रॉस शेड है। वो रेड के साथ पिंक का क्रॉस शेड था, ये पिंक के साथ ऑरेंज का क्रॉस शेड है। ये भी सेम कम्बिनेशन में है, इसका भी बॉर्डर आंचल और ब्लाउज पीस कतान में आएगा एंड बॉडी आएगा टिश्यू के साथ कोरा, टिश्यू के साथ कोरा में आएगा एंड आंचल जो है उस पर सेम आपको नजर आएगा डिजाइंस। दिस इज अ ब्यूटिफुल पीस, वेरी नाइसली वीव्ड बाय योर वीवर्स। एंड प्लीज आप लोग अग्री करते हैं कि नहीं प्लीज़ कमेंट पे मेंशन करके बताइएगा। एंड दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द आंचल, दिस इज़ द सेकेंड लेयर एंड द थर्ड लेयर आपको मिल जाता है। बॉर्डर में जो जाल वर्क है फ्लोरल जाल वही आपको थर्ड लेयर में मिल जाता है। एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द बॉर्डर, ये पूरा एक साइड में ये कंटिन्यू थ्रू आउट द साड़ी में ये ब्रॉड मोटिव चला जाता है। एंड बूटा भी आपको पूरा साड़ी में मिलेगा, करियल वाला बूटा। एंड यहाँ पर आपको चार जगह पर मीनेकारी वर्क मिलेगा, एक दो तीन चार जगह पर मीनेकारी वर्क मिलेगा एक एक बूटा में। एंड थ्रू आउट द साड़ी में आपको पूरा यह टिश्यू इफेक्ट नज़र आएगा क्योंकि ये कोड़ा के साथ टिश्यू का ट्विस्टेड वीविंग है। एंड यहाँ पर ये बॉर्डर भी आप लोगों को दिखा दो, ये भी पूरा इंटरलॉक में किया हुआ है, पूरा ऑल द बॉर्डर्स जॉइंट इंटरलॉक में एंड कोई पैच वर्क नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यू विल गेट दिस क्रॉस शेड ऑफ पिंक एंड ऑरेंज, ब्यूटिफुल पीस। और आप लोग अग्री करते हैं कि नहीं प्लीज़ कमेंट में मैंशन करके बताइए। सबसे बड़ी बात है कि बहुत एलिगेंट पीस है, यू विल लुक वेरी एलिगेंट वेरी क्लासी व्हेन यू विल वेयर दिस साड़ी। एंड मन चाहे ज्वेलरी पहन सकते हैं आप लोग ये साड़ी के साथ। अभी हम लोग ब्लाउज पीस की तरफ जाएंगे, ब्लाउज पीस देख लेंगे। थ्रू आउट द साड़ी का फील आपको नज़र आ गया, ये फर्स्ट साड़ी का एकदम दूसरा कलर है जो कि रेडी होकर आया है। एंड यू विल गेट दिस पिंक एंड ऑरेंज क्रॉस शेड ब्लाउज पीस, उसके साथ ये बॉर्डर मिल जाता है। ये रहा आपका सिल्क मार्क का सर्टिफिकेशन एंड इसका प्राइस 25,360। तो पहला जो साड़ी आप लोगों को दिखाया वो तो दो कलर में दिखाया, बेसिकली दिस इज़ द सेकेंड डिज़ाइन, क्योंकि वो तो फर्स्ट डिज़ाइन का ही दो कलर दिखाया। एंड प्लीज़ ये कलर भी हमारे फ्यूजन स्टूडियो में डेवलप किया हुआ कलर है, दिस इज़ अल्फांसो मैंगो कलर। एंड सीधी पल्लू मैं मतलब बोल नहीं सकता कि कितना अच्छा लग रहा है अभी आप लोगों को ये साड़ी दिखाने के टाइम, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, दिस इज़ गिविंग मी अ रियली नाइस फीलिंग। एंड यहाँ पर पूरा बॉडी में आपको ये अल्फांसो मैंगो के साथ एक हल्का सा पिंक का क्रॉस शेड मिलेगा, हल्का पिंक का क्रॉस शेड मिलेगा। एंड पूरा साड़ी में आँचल तो आप लोगों को दिखाऊँगा, थोड़ा मैं आँचल आप लोगों को पहले दिखा दूँ। दिस इज़ द आँचल, आप लोग प्लीज़ देखिए, कमेंट पे मेंशन कीजिए कैसा लग रहा है। ऑल द वीवर्स आर वेटिंग फॉर योर फीडबैक, क्योंकि उन लोगों ने इतना मेहनत करके अभी ये लॉकडाउन पीरियड में भी आप लोगों के लिए ये साड़ी वीव किए हैं। एंड यहाँ पर आप लोग देखिए बहुत ऑल द कलर्स विच वी हैव यूज्ड आर पेस्टल शेड। यहाँ पर देखिए कोई जरी का इस्तेमाल नहीं है, बेस फैब्रिक में जरी है। यहाँ पर जितने का वर्क कलर्स आप लोग देख रहे हैं ये कोई जरी का वर्क नहीं है, मैं क्लोज अप दिखा रहा हूँ। यू कैन सी द फिनिशिंग ऑफ द वीविंग, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यू कैन सी द फिनिशिंग कितना फिनेस से वर्क किए हैं। बहुत प्यारा पीस है, वेरी क्लासी पीस, अगेन 100% मेड विथ कोड़ा बनारसी फैब्रिक में बनाया हुआ है। दिस इज द आंचल, आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द आंचल एंड दिस
इज द बॉडी। पूरा कोरा बनारसी फैब्रिक में जा रहा है और हर एक बूटा मैं जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को मैट फिनिश्ड गोल्डन जरी के साथ वीव किए हैं। छोटे छोटे पूरा ऑल ओवर, छोटा छोटा बूटी पूरा ऑल ओवर साड़ी में जा रहा है, पर पूरा जरी का जो इस्तेमाल है वो मैट फिनिश्ड गोल्डन जरी में इस्तेमाल किए हैं। एंड थ्रू आउट द साड़ी में इक्वल डेंसिटी में ये बूटा चला जाएगा। एंड यहाँ पर आपको स्ट्राइप मोटिव में बॉर्डर मिलेगा, दोनों तरफ पिंक कलर का इंची बॉर्डर मिलेगा, इस साइड में भी पिंक कलर का इंची बॉर्डर एंड स्ट्राइप मोटिव में बॉर्डर, तो दोनों तरफ बॉर्डर मिल जाता है। एंड छोटे छोटे बूटी ऑल ओवर साड़ी में आपको मिल जाता है। बेस कलर ऑफ द फैब्रिक इज अल्फांसो मैंगो कलर एंड फ्यूजन स्टूडियो में डेवलप किया हुआ पेस्टल शेड है। एंड थ्रू आउट द साड़ी देख लेंगे, पर इसका ब्लाउज पीस इज ग्रैंड, बहुत अच्छा लुक देगा। दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ आवर फ्यूजन स्टूडियो कलेक्शन। यू विल सी ये जो ब्लाउज पीस है यहाँ पर पूरा ऑल ओवर वीविंग है। दिस इज़ द ब्लाउज पीस, दिस इज़ द साड़ी एंड्स हियर, स्टार्टिंग ऑफ द ब्लाउज पीस, ऑल ओवर द ब्लाउज पीस पूरा हैंड वीव्ड है। ये पूरा कोरा फैब्रिक के ऊपर ही है एंड थ्रू आउट द साड़ी में पूरा ऑल ओवर ब्लाउज पीस में वर्क है। साड़ी में पूरा ऑल ओवर डेंसिटी में छोटे छोटे बूटी का काम था एंड ब्लाउज पीस में ऐसे पूरा हैवी डेंसिटी में वर्क मिलेगा। हर यहाँ पर जो बर्फी मोटिफ है, हर बर्फी मोटिफ के अंदर एक मीनाकारी लीफ मोटिफ का मीनाकारी वर्क है एंड डिफरेंट कलर्स हैव बीन यूज्ड। इसके साथ ये दो नैरो बॉर्डर में मिल जाता है एंड द स्पेशलिटी ऑफ द साड़ी इज दिस ब्लाउज पीस। इसके साथ अभी मैं प्राइस बता दूंगा साड़ी का। साड़ी का प्राइस है 25,890 रुपीज़, 25,890 रुपीज़ ये साड़ी का प्राइस है एंड ब्लाउज पीस इज ऑसम। तो दिस इज द फोर्थ साड़ी एंड ये भी कोरा के ऊपर है एंड ट्रेडिशनल 100% ट्रेडिशनल बॉर्डर आंचल का वर्क, बॉडी भी एकदम ट्रेडिशनल। पर पहले शुरू करते हैं ब्लाउज पीस से। ये ब्लाउज पीस आ गया साड़ी का, रेड के ऊपर है एंड बहुत अच्छा लग रहा है एंड लाइक क्रॉस थ्रेड भी है, एक रेड का हल्का सा क्रॉस थ्रेड है ऑरेंज का। सो उसके ऊपर ये मिल जाता है ये स्ट्राइप मोटिव। जब ब्लाउज को बनाएंगे यू विल लुक वेरी नाइस। ये ब्रेड के ऊपर ब्लाउज पीस मिलेगा पूरा कंट्रास्ट में एंड पूरा वीविंग है। ये जो लीफ मोटिव का चेन है, यहाँ पर जो लीफ मोटिव का चेन है ये पूरा वीविंग में है। ये मैं आप लोगों को पूरा वाइड व्यू दिखा रहा हूँ। दिस इज़ द ब्लाउज पीस, ये कोई आंचल नहीं है। मैं ऐसे अगर आपको दिखाऊंगा तो इट लुक्स लाइक एन आंचल, पर दिस इज़ द ब्लाउज पीस। दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ आवर फ्यूजन स्टूडियो। वी ट्राई टू क्रिएट समथिंग यू नो डिफरेंट, जो कि आप लोगों को पहनने के बाद डिफरेंट लगे। एंड दिस इज़ द बेस कलर ऑफ द साड़ी जो कि लैवेंडर कलर में है और मॉफ कलर, राइट, डार्क लैवेंडर एंड मॉफ कलर का मिक्सचर है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डेवलप्ड इन आवर फ्यूजन स्टूडियो, लैवेंडर एंड मॉफ कलर का मिक्सचर। एंड थ्रू आउट द साड़ी में दोनों तरफ आपको मिल जाता है ऑरेंज बॉर्डर एंड आंचल। यू विल गेट दिस ट्रेडिशनल बनारसी आंचल एंड बॉर्डर। दिस इज द बॉर्डर, मैं क्लोज अप दिखा रहा हूँ आप लोगों को। दिस इज द बॉर्डर ऑफ द साड़ी, जो कि बॉर्डर एंड आंचल है वो कतान में आएगा। बॉर्डर आंचल कतान में आएगा, पूरा इंटरलॉक से वीविंग है। पर मैं पहले आप लोगों को आंचल का वाइड व्यू दिखाऊंगा, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। दिस इज द वाइड व्यू ऑफ द आंचल। आप लोग प्लीज कमेंट में मेंशन करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है, क्योंकि आज का एपिसोड शूट करने का मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था एंड मी एंड दिवांजलि आर वेरी हैप्पी कि फाइनली आज हम लोग मैनेज कर लिए हैं। और यही जो थीम है, यहाँ पर आप लोग एक लाइन देख सकते हैं, दिस इज़ द चेन ऑफ लीफ मोटिव। यही सेम लीफ मोटिव का चेन हम लोगों ने ब्लाउज पीस में डाला है, तो यही चेन दोनों तरफ आप लोगों को मिल जाएगा। दिस इज़ अगेन दैट चेन, जो कि यही चेन हम लोगों ने ब्लाउज पीस में डाला है। एंड दिस इज़ द ट्रेडिशनल बनारसी बॉर्डर, दोनों तरफ। दिस इज़ द आंचल, ऑफ द साड़ी जो कि ऑरेंज में आएगा एंड बेस कलर ऑफ द साड़ी इज मॉफ एंड लैवेंडर इश। तो पूरा पेस्टल शेड्स में ही हम लोगों ने हर कलर बनाए हैं एंड पूरा साड़ी में ये आपको जरी का चेक्स नज़र आएगा। यू सी द रिफाइनमेंट ऑफ द वीविंग, यहाँ पर देख सकते हैं ऑल द चेक्स मोटिव विच वी हैव वीव्ड, पूरा हैंड वीव में आएगा। दिस इज़ द फैब्रिक टेक्सचर एंड यू सी द कोरा फैब्रिक ऑल्सो एंड दिस इज़ द बूटा फिनिशिंग। हर एक बूटा को कितना मेहनत से वीव किए हैं पूरा ऑल ओवर साड़ी में। इनफैक्ट एवरी लाइन इज बेसिकली थ्री फाइनर और नैरो लाइन्स।
या हर चेक्स में आपको तीन लाइंस मिलेंगे एंड तीनों के तीनों लाइन पूरा वीविंग में ही जा रहा है एंड ऑल ओवर साड़ी में यही थीम कंटिन्यू हो रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक साड़ी बनाने में कितना टाइम और कितना मेहनत लगा होगा हमारे कारीगरों को, और इसीलिए वी आर वेरी हैप्पी कि फाइनली आज आप लोगों के लिए ये एपिसोड शूट कर पा रहे हैं। एंड इसका प्राइस है 27,395, ये साड़ी का प्राइस है 27,395। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट साड़ी एंड थोड़ा आज का एपिसोड प्लीज़ फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा अगर आप लोग ये एपिसोड को पूरा देखेंगे तो पता चलेगा कि व्हाट वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन एंड हम लोगों का कोशिश क्या है, हम लोगों का डिज़ाइंस कितना आगे गया है एंड हम लोगों का वीवर्स का फिनिशिंग भी कितना इम्प्रूव हुआ है एंड वर्क विच वी आर डूइंग इन अ फ्यूजन स्टूडियो एवरी डे। तो अगेन दिस साड़ी ऑल्सो स्टार्ट्स विद द ब्लाउज पीस। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज अ पिस्टैशियो ग्रीन कलर, पिस्टल शेड का पिस्टैशियो ग्रीन कलर है, जरी एंटिक जरी है। दिस इज द बॉर्डर जो आप लोगों को ब्लाउज पीस में मिलेगा एंड ये तो ब्लाउज पीस में मिलेगा, ये बॉर्डर जो आप लोग स्लीव्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर उसके बाद आपको मिलेगा ये स्ट्राइप लाइंस, ये पूरा वीविंग में स्ट्राइप लाइंस आपको पूरा ब्लाउज पीस में मिलेगा। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस साड़ीज, ब्लाउज पीस में आपको पूरा ये स्ट्राइप लाइंस मिलेगा एज इफ दे आर लाइक गोल्ड चेन्स पूरा ऑल ओवर साड़ी में। व्हेन यू विल वीव द मेक द दिस ब्लाउज पीसेस, इट विल लुक लाइक द गोल्ड चेन्स। तो पूरा ऐसे ही थीम में हम लोगों ने बनाया है एंड दिस इज द बेस फैब्रिक, बेस कलर पिस्टैशियो ग्रीन, बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत ही आई सूदिंग है। और उसके साथ आपको मिल जाता है ये बॉर्डर एंड आंचल, 100% ट्रेडिशनल, पूरा बहुत मेहनत करके बनाया है एंड ऑल द मोटिव्स यू कैन सी। आप लोग बनारसी साड़ी मेरे से अच्छा जानते हैं कि कौन सा ट्रेडिशनल है कौन सा नहीं है, सो यू कैन ऑलरेडी सी के ऑल द मोटिव्स विच वी हैव यूज्ड इज कम्प्लीटली 100% ट्रेडिशनल। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द आंचल एंड यू कैन सी द एंटिक जरी फिनिशिंग। मैं एक बार क्लोज अप दिखा रहा हूँ, you can see the refinement of the work finesse, you can see all the weavings are done so minutely। इसी के लिए कह रहे हैं कि आज थोड़ा एपिसोड को टाइम से ध्यान से देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड दिस इज द केरी मोटिव्स जो कि पूरा ऑल ओवर साड़ी में हम लोगों ने दिया है, तो इसका इस्तेमाल पूरा ऑल ओवर साड़ी में हुआ है। एंड दिस इज द बॉटम पोर्शन ऑफ द बॉर्डर जो कि डबल लेयर में आएगा, दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर। और उसके साथ आपको ये लीफ मोटिफ का अगेन जाएगा पूरा ऑल ओवर साड़ी में। दिस इज रियली नाइस पीस, थ्रू आउट द साड़ी हम लोग अभी देख लेंगे एंड द कलर इज रियली नाइस। कलर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में मेंशन करके बताइएगा। द ब्लाउज पीस वॉज रियली नाइस एंड थ्रू आउट द साड़ी में एंटिक जरी का इस्तेमाल है एंड एंटिक जरी इज गोइंग वेरी वेल विद दिस पेस्टल शेड्स विच वी हैव डेवलप्ड इन आवर फ्यूजन स्टूडियो एंड ऑल ओवर साड़ी में इक्वल डेंसिटी में ये केरी मोटिव्स का वर्क आ रहा है। तो वर्क ये केरी मोटिव का जो है पूरा ऑल ओवर साड़ी में आपको मिल जाएगा और इसका प्राइस है 22,500 एंड दिस साड़ी सिल्क मार्क सर्टिफाइड। तो 22,500 ये साड़ी का प्राइस है, ये ब्रॉड बॉर्डर मिल जाएगा आपको एक तरफ में नैरो बॉर्डर एंड थ्रू आउट द साड़ी में आपको ये केरी मोटिव का बूटा मिल जाएगा। एंड दिस इज अनदर डिज़ाइन ऑफ दिस एपिसोड एंड दिस इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट्स बिकॉज आप लोग देखिए, मतलब इतना इमोशनल हूँ मैं इस डिज़ाइन को लेकर एंड दिस एक्चुअली डिफाइंस, दिस साड़ी इज वन ऑफ दोज साड़ीज जो कि एक्चुअली डिफाइन करते हैं कि मैं किस चीज़ को लेके काम कर रहा हूँ और द यू नो रिफाइनमेंट ऑफ द साड़ीज एंड द डिज़ाइंस ऑफ द साड़ीज को कहाँ पर लेके जाने का सोच रहा हूँ। सो प्लीज़ कमेंट पे मेंशन करके बताइए। द बेस कलर ऑफ द साड़ी आप लोग देख सकते हैं, दिस इज ग्रे कलर, दिस इज स्टील ग्रे कलर, आप लोग देख सकते हैं दिस इज लाइटेस्ट टोन ऑफ स्टील ग्रे कलर। और उसके साथ यहाँ पर जो वीविंग है मैं क्लोज अप दिखा रहा हूँ, यू कैन सी ऑल द रेशम, दिस इज प्योर रेशम से वीविंग है, दिस इज द रिफाइनमेंट ऑफ द वर्क। यहाँ पर आप लोग देखिए द रिफाइनमेंट ऑफ द वर्क, द डेंसिटी ऑफ द थ्रेड्स विच वी हैव यूज्ड, यू कैन सी पूरा हैंड वोवन है साड़ी, पूरा रेशम से बुना हुआ है एंड दिस इज लाइक द
एपिटोमी ऑफ लाइक वट एवर यू कैन से लग्जरी और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इसका प्राइस मैं बाद में बताऊँगा, पर हर एक जो फ्लोरल मोटिफ है उसके अंदर आपको एक सिल्वर का और एक गोल्डन का, तो एक सिल्वर का एक गोल्डन का ऐसे मीनाकारी वर्क पूरा बॉर्डर में मिलेगा आपको, पूरा एग्जैक्ट सेम थीम में सेम मोटिफ में पूरा ऑल ओवर साड़ी में ये आपका सिल्वर गोल्डन का मीनाकारी वर्क मिलेगा, जो कि अगेन वीविंग में है। एंड पूरा वर्क जो है देखिए पूरा हैंड वोवन है रेशम से। एंड सी द बैक साइड ऑफ द साड़ी, दिस इज द बैक साइड ऑफ द साड़ी, आप लोग देखिए द रिफाइनमेंट ऑफ द वर्क एंड द थिकनेस ऑफ द थ्रेड्स, आप लोग देखिए कितना धागा इस्तेमाल किया है, यू कैन सी द थ्रेड्स थिकनेस ऑफ द थ्रेड, पूरा हैंड वोवन है साड़ी, हर एक बूटा जो है ऐसे ही है। एंड यू कैन सी द रिफाइनमेंट ऑफ द वर्क, दिस इज द आंचल पोर्शन, दिस इज द आंचल, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक बॉर्डर जो कि अपर पोर्शन में आएगा, बॉटम पोर्शन में आपका मीनाकारी मोटिफ आएगा, यहाँ पर दोनों तरफ का दोनों मोटिफ है, एक बड़ा मोटिफ है एक छोटा मोटिफ है, दो मोटिफ में पूरा ऑल ओवर साड़ी में काम है। एंड दिस इज द आंचल, प्लीज़ कमेंट पे मेंशन करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ऑल द साड़ीज इन टुडेज एपिसोड विल बी सिल्क मार्क सर्टिफाइड ऑफ कोर्स, एंड सी द रिफाइनमेंट ऑफ द वर्क, डिज़ाइंस देखिए, एंड द प्राइस इज 26470, 26470 रुपया साड़ी का प्राइस है। थ्रू आउट द साड़ी में ऑल ओवर, थ्रू आउट द साड़ी में ऑल ओवर ये काम है। एंड द रिफाइनमेंट ऑफ द वीविंग आप लोग देखिए प्लीज़, और प्लीज़ कमेंट पे मेंशन करके बताइए कि इसके इस इतना टफ सिचुएशन में भी हमारे कारीगरों ने कितना मेहनत करके बनाया है जस्ट फॉर यू एंड देयर सर्वाइवल। तो प्लीज़ आप लोग देख के कमेंट पे मेंशन ज़रूर कीजिएगा। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस, द ब्लाउज पीस इन इटसेल्फ इज अ मास्टरपीस, द ब्लाउज पीस लुक्स लाइक अ मास्टरपीस इटसेल्फ, क्योंकि मैं अगर ये ब्लाउज पीस आपको बोलता नहीं कि ये ब्लाउज पीस है, इट लुक्स लाइक एन आंचल ऑफ एनी अदर साड़ी, राइट? सो दिस इज सच अ लवली पीस। एंड यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर भी दिया हुआ है जो कि आप लोग ब्लाउज में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड जो कि स्लीव्स में इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लाउज का। एंड दिस इज द बेस, तो यहाँ पर भी पूरा ऑल ओवर वीविंग है। यहाँ पर भी देखिए कितना ब्लाउज पीस में भी कोई हम लोगों ने खामियां नहीं छोड़ा फिनिशिंग में, यहाँ पर आप लोग देखिए पूरा ऑल ओवर वीविंग में ऐसे ही वर्क जा रहा है। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स फ्रॉम दिस एपिसोड, एंड प्लीज ऑल ओवर साड़ी को एक बार रिपीट दिखा रहा हूँ। एंड द बॉर्डर लुक्स रियली स्पेशल विद द सिल्वर एंड गोल्डन मीनाकारी वर्क। सो दिस इज अगैन नक्शाए मुगल वॉल्यूम 2 का अगैन अनादर साड़ी फ्रॉम दिस कोरा बनारसी स्पेशल एपिसोड, नक्शाए मुगल वॉल्यूम 2 का। एंड प्लीज़ कमेंट पे मेंशन करना ना भूलिए कि आप लोगों का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट बिलो, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, इट विल बी अ बिग सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड ये कोरा बनारसी के ऊपर हम लोगों ने सिल्वर जरी से काम किए हैं, एंड द बेस कलर ऑफ द फैब्रिक इज पीच, पीच कलर के ऊपर देखिए 3 लेयर्स, यहाँ पर एक बॉर्डर दिए हैं पर सेम यहाँ पर देखिए ये जो पैटर्न का वीविंग है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन दिया है, तो इटसेल्फ इट लुक्स लाइक अ बॉर्डर, एक सेकेंड लेयर ऑफ बॉर्डर की तरह लग रहा है। एंड दिस इज द फर्स्ट लेयर जो कि हम लोगों ने सिल्वर जरी में दिया है, और यही सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी जा रहा है रिवर्स मोटिफ में, तो ऐसे करके एक साइड का बॉर्डर आपको मिल जाता है। दिस इज द आंचल, यहाँ पर देखिए 3 कलर का इस्तेमाल है, कोरल ब्लू एक्वा ब्लू एंड कोरल ग्रीन एक्वा ब्लू एंड यहाँ पर देखिए पिस्टैशियो ग्रीन कलर, तो 3-4 कलर का इस्तेमाल है आंचल में। एंड यू कैन सी द रिफाइनमेंट ऑफ द वर्क लाइक एवरी अदर साड़ी, मैं क्लोज अप आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यू कैन सी द रिफाइनमेंट ऑफ द वीविंग, यहाँ पर देखिए कितना मेहनत करके एक भी धागा इधर उधर नहीं हुआ, जहाँ पर रहना था वहीं पे है। एंड बेस फैब्रिक में भी ये जो जरी है इसमें भी आपको हेरिन बॉन्ड पैटर्न का वीविंग नज़र आएगा, मैं क्लोज अप दिखा रहा हूँ, ये कोई पेटा जरी का नहीं है बॉर्डर, इसमें भी हेरिन बॉन्ड करके हम लोगों ने वीव किए हैं, तो वेरी माइनर डिटेलिंग्स वी डिड टू द साड़ी, इसी के लिए दिस मेक्स सो स्पेशल। एंड यहाँ पर देखिए छोटे छोटे फ्लावर के अंदर हम लोगों ने ऐसे भी मीनाकारी वर्क डाला है, तो पूरा ऑल ओवर साड़ी में ये थीम तो कंटिन्यू हो ही रहा है। एंड दोनों तरफ आपको ये बॉर्डर मिल जाता है, एंड इस तरफ आपको सिल्वर जरी का बॉर्डर मिलेगा, एंड दिस इज बर्गेंडी कलर,
ये बर्गंडी कलर का इंची बॉर्डर मिलेगा। एंड थ्रू आउट द साड़ी में देखिए कोरा फैब्रिक का फिनिशिंग देखिए कैसा लग रहा है। ऑल ओवर साड़ी में दिखाऊंगा आप लोगों को ज़रूर। मैं एक बार क्लोज अप दिखा रहा हूँ द रिफाइनमेंट ऑफ द वीविंग। एक भी थ्रेड इधर उधर नहीं है। ऑल द साड़ीज आर मास्टर पीसेस टूडे। प्लीज़ आप लोग अग्री करते हैं कि नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ कि नहीं, प्लीज़ कमेंट पर मैंशन करके बताइएगा। बहुत दिन से वेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि ये एपिसोड बनाए, तो फाइनली आज हम लोग बना रहे हैं। वी बोथ आर रियली वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग सो सपोर्टिव टुवर्ड्स अस। एंड इसका ब्लाउज पीस है, यहाँ पर मैं ब्लाउज पीस में ये बॉर्डर मिल जाता है एंड ब्लाउज पीस में पूरा प्लेन एंड सिंपल, क्योंकि बॉडी में इतना हैवी वर्क है तो ब्लाउज पीस में हम लोगों ने एकदम प्लेन एंड सिंपल रखा है, गोज विद द थीम। एंड इसका प्राइस है 19,890 इज द प्राइस ऑफ द साड़ी एंड यू कैन सी द कलर ऑफ द साड़ी। अगेन अनदर साड़ी, मुझे पता है कि आज के एपिसोड के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा आप लोगों से, पर आप लोगों को अच्छा लगेगा कि जो साड़ी आज दिखा रहे हैं आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। लेट मी स्टार्ट विद द ब्लाउज पीस फर्स्ट ऑफ दिस साड़ी एंड हर ब्लाउज पीस विल बी अ मास्टर पीस। मैं क्लोज अप दिखाऊँगा तो ज़रूर, यहाँ पर देखिए पूरा रेशम से वीव है। मैं पूरा यहाँ पर यू कैन सी द फिनिशिंग ऑफ द वर्क कितना अच्छा करके वीव किए हैं हमारे कारीगरों ने। एंड यू कैन सी द सिल्क मग सर्टिफिकेशन। ऑल द साड़ीज फ्रॉम टुडेज एपिसोड विल बी सिल्क मग सर्टिफाइड एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। दिस साड़ी इज रियली वेरी नाइस, पर ब्लाउज पीस देख के ही मन भर गया। लेट मी शो यू द प्राइस फर्स्ट। 22,120 इज द प्राइस ऑफ द साड़ी। अगेन विल बी इन कोरा बनारसी, बेज कलर में आएगा, पर बेज कलर के साथ जो आंचल और बॉर्डर मिलेगा मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। आई एम रियली सो हैप्पी एंड यू कैन सी दिस आर द थिंग्स विच वी डीड। पूरा रेशम में वीव किए हैं, उसके साथ ये गोल्डन एंड सिल्वर जरी का हम लोगों ने वर्क डाला है, पूरा रेशम से वीव किए हैं। दिस इज़ द बॉर्डर जो कि रेशम में है, पूरा ऑल ओवर साड़ी देखिए पूरा रेशम में है। उसके साथ हम लोगों ने ये देखिए गोल्डन एंड सिल्वर जरी का पूरा ऑल ओवर जितना भी फ्लावर्स हैं उसमें पूरा हम लोगों ने मीनाकारी वर्क डाला है। एंड थोड़ा यस, दिस इज़ द वाइड व्यू ऑफ द साड़ी एंड यू कैन सी ऑल द डिज़ाइन यू विल फाइंड इन हिस्ट्री ऑफ बनारस बुक्स, यू नो ऑल द हिस्ट्री ऑफ वीविंग में आपको मिल जाएगा बनारस का। एंड यहाँ पर भी देखिए डबल लेयर ऑफ बॉर्डर, दिस इज द सेकेंड लेयर एंड द आँचल बहुत ही स्पेशल है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है आँचल का। यहाँ पर देखिए पूरा रेशम से हैवी एंड यू कैन सी द थिकनेस। एंड रिवर्स साइड भी दिखा दें आप लोगों को, रिवर्स साइड में भी देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग है, रिवर साइड में कितना अच्छा फिनिशिंग है। ऑल ओवर साड़ी में ऐसे ही वर्क फिनिशिंग में जा रहा है। एंड ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर में भी आपको गोल्डन एंड सिल्वर जरी का वर्क नज़र आएगा। अगेन पूरा ऑल ओवर साड़ी में ये एक साइड में बॉर्डर आएगा, अगेन पूरा गोल्डन एंड सिल्वर जरी का काम है। सो दीज आर द वर्क्स विच वी आर डूइंग इन आवर फ्यूजन स्टूडियो एंड हर बूटा में देखिए रेशम का बूटा है। तो बेस फैब्रिक अगेन कोरा, इट विल बी वेरी लाइट वेट, वेरी कंफर्टेबल, यू नो फॉर एनी सीजन एनी क्लाइमेट कंडीशन। एंड थ्रू आउट द साड़ी हम लोग देख लेंगे अभी। दिस साड़ी इज ऑफकोर्स फॉर एनी एज, इट्स अ टाइमलेस पीस। आजकल एपिसोडे शॉपकटा साड़ी भीषण भालो, मैंने एक तो बंगाली में नहीं जब तक कह रहा था तो मन नहीं भर रहा था, मतलब ये जो हैप्पीनेस का मतलब फीलिंग है वो बांग्लाते बोले जा मौजा पाची ना, मैंने हिंदी में कह के थोड़ा यू नो अच्छा तो लग रहा है, पर श्योर बहुत अच्छा लग रहा है, सच में कह रहा हूँ आज का एपिसोड आप लोगों के लिए बना के। एंड प्राइस तो स्क्रीन में आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा। तो कोरा में हम लोग अभी दिखाएंगे और एक साड़ी जो कि अगेन मेरा बहुत ही पसंदीदा साड़ी है एंड देवांजलि का बहुत ही फेवरेट कलर है, उसको बहुत प्यारा लगा ये कलर कॉम्बिनेशन। एंड इसका और एक कलर भी है वो भी दिखाएंगे, ये दो साड़ी उसको भी बहुत पसंद आया। एंड पूरा ऑल ओवर साड़ी में ये आपको वर्क नज़र आएगा, ये पूरा रिवर्स मोटिफ में हम लोगों ने वीव किए हैं पूरा ऑल ओवर साड़ी में। दिस विल गिव यू, मतलब क्या बताया, दिस विल गिव यू अ वेरी ग्रैंड लुक, बहुत अच्छा लगेगा। एंड दिस इज़ द आंचल ऑफ द साड़ी, यहाँ पर देखिए टेम्पल मोटिफ है, यहाँ पर टेम्पल मोटिफ है जो कि हम लोगों ने फ्यूजन स्टूडियो में इस्तेमाल किए हैं कांचीपुरम से थोड़ा इंस्पायर होकर।
यू विल गेट दिस टेम्पल मोटिव्स यहाँ पर आंचल और बॉर्डर में, एंड यहाँ पर देखिए ये टनशोई मोटिव का वर्क है, पूरा कोरा बनारसी में आपको टनशोई मोटिव का वर्क मिलेगा। एंड यहाँ पर देखिए मैं क्लोज अप दिखाऊंगा, टोन ऑन टोन में दिखाऊंगा, एक पिंक के साथ लैवेंडर कलर का क्रॉस शेड में मिलेगा एंड दो कलर का इस्तेमाल है। मैं क्लोज अप आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यू कैन सी द टोन ऑन टोन कलर, टू कलर्स हैज बीन यूज्ड, पूरा वीविंग में आएगा एंड पूरा ऑल ओवर साड़ी में। यस दिस इज द वाइड व्यू ऑफ द साड़ी, हाउ इज इट लुकिंग, प्लीज़ आप लोग कमेंट पर मैंशन करके बताइए, प्लीज़ कमेंट पर मैंशन करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आज का एपिसोड, क्योंकि बहुत मन से दिल से बना रहे हैं आज के एपिसोड, बहुत ही खुश है हम दोनों आप लोगों के लिए ये एपिसोड बना के, क्योंकि दीज आर द साड़ीज विच मेक्स मी फील गुड जब मैं हाथ में लेता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट ऑल द टाइम, एंड ऑल ओवर साड़ी में हम लोग को ये वर्क मिल जाएगा हैवी डेंसिटी में। सो कोरा में आप लोग को ये टनशोई मोटिव का रिवर्स वर्क मिल जाएगा, रिवर्स टनशोई मोटिव, एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। यू सी फ्यूजन स्टूडियो का साड़ीज में आपको ब्लाउज पीस में ज़रूर मिलेगा कुछ ना कुछ। सो यू विल गेट दिस लोटस मोटिव, यहाँ पर लोटस मोटिव का वर्क है, पूरा ऑल ओवर ब्लाउज पीस में ये लोटस मोटिव का वर्क मिल जाता है। ब्लाउज पीस कोरा बनारसी फैब्रिक में ही आएगा, एंड इसका प्राइस बता देंगे, इसका प्राइस है 25,400 ये साड़ी का प्राइस है। और मैं वर्क फिनिशिंग का डिटेलिंग दिखा दूँ आप लोगों को, दिस इज द साड़ी जो कि बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। अगेन जो साड़ी अभी दिखाया था उसी का और एक कलर, अब आप लोग बताइए आप लोगों को कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आया, तो हम लोगों को कमेंट पे मेंशन करके ज़रूर बताइए। पर ये साड़ी में ब्लाउज पीस से पहले शुरू होता है, ये साड़ी में ब्लाउज पीस से पहले शुरू होता है, एंड पिस्टेशियो ग्रीन कलर का एकदम लाइट पिस्टेशियो ग्रीन कलर का ब्लाउज पीस मिलेगा, उसके साथ आपको ये लोटस मोटिव का ब्लाउज पीस मिलेगा। तो ये पूरा ऑल ओवर साड़ी में तो वर्क है ही, उसके साथ ऑल ओवर ब्लाउज पीस में भी आप लोगों को ये लोटस मोटिव का वर्क मिलेगा। उसके साथ दिस इज दी आंचल, आंचल में भी आप लोगों को ये टेम्पल मोटिव का वर्क है, उसके साथ बॉर्डर में भी टेम्पल मोटिव का वर्क है। एंड बॉडी कलर कौन से साड़ी का अच्छा लगा आप लोग कमेंट में मेंशन करके बताइए। दिस इज द कलर जो कि कोरल ग्रीन के साथ पिस्टेशियो ग्रीन कलर का इस्तेमाल है, मैं क्लोज अप आप लोगों को दिखा दूँ, दिस आउटर लाइन इज पिस्टेशियो एंड इनर कलर इज कोरल ग्रीन, तो कोरल ग्रीन कलर के साथ पिस्टेशियो ग्रीन, एंड दिस इज द वाइट व्यू ऑफ द साड़ी, पूरा ऑल ओवर ऐसे ही रिवर्स्ड टनशोई मोटिव में पूरा वर्क जा रहा है, एंड बनारसी ट्रेडिशनल बनारसी साड़ी तो है ही, उसके साथ पूरा हैवी वीविंग मिलेगा आप लोगों को, उसके साथ ब्लाउज पीस में भी वर्क मिलेगा। सो इट्स अ कम्प्लीट पीस, इट्स अ कम्प्लीट साड़ी एक्चुअली, क्योंकि आज के डेट में ब्लाउज पीस थोड़ा स्पेशल हो तो आप लोगों को अच्छा ही लगेगा, एंड दिस साड़ी डिजर्व्स अ गुड ब्लाउज पीस ऑल्सो। सो ऑल ओवर साड़ी में ऐसे ही वर्क जा रहा है, एंड इसका प्राइस भी 25,400 है। सो अगेन अनदर पीस, और ये भी बेज कलर के ऊपर ही है, पर इसका भी रेशम कलर, रेशम से वीव किए हैं गोल्डन और सिल्वर। पर उससे पहले तो हम लोग ब्लाउज पीस देख लेंगे, क्योंकि साड़ी ब्लाउज पीस से शुरू हो रहा है, एंड दिस साड़ीज एक्चुअली हैज़ अ रियली स्पेशल ब्लाउज पीस। ऑल द साड़ीज, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डू इन आवर फ्यूजन स्टूडियो, पूरा ऑल ओवर साड़ी में ये वर्क तो आएगा ही, एंड यहाँ पर आपको बॉर्डर में आपको मिल जाता है ये गोल्डन कलर से मीनाकारी वर्क, ये थोड़ा एंटिक गोल्डन कलर है, एंटिक गोल्डन कलर का मीनाकारी वर्क है, एंड पूरा ऑल ओवर ब्लाउज पीस में ये आपको रेशम का वीविंग आएगा, ऑल ओवर ब्लाउज पीस में ये रेशम का वीविंग है। मैं रिवर्स साइड दिखा दूँ, दिस इज़ द रिवर्स साइड ऑफ द ब्लाउज पीस, यहाँ पर देखिए कितना थिक डेंसिटी का थ्रेड्स इस्तेमाल किए हैं पूरा वर्क को लाने के लिए। दिस इज़ द रिवर्स साइड, दिस इज़ द फ्रंट साइड, तो पूरा हैंड वोवन साड़ी है। द ब्लाउज पीस यू कैन सी सिल्क मार्क सर्टिफिकेशन तो ऑफकोर्स आएगा ही, एंड इसका प्राइस 24,285 इसका प्राइस है, 24,285 ये साड़ी का प्राइस है, एंड दिस इज द आंचल ऑफ द साड़ी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पूरा साड़ी में, मैं वर्क दिखाऊंगा आंचल में, यहाँ पर देखिए ऑल द साड़ीज हैव द यू नो बॉर्डर एंड आंचल में ये साड़ी का मीनाकारी वर्क जाएगा, सिल्वर एंड एंटिक गोल्ड। यहाँ पर मैं क्लोज अप दिखाऊंगा आप लोगों को तो आपको ये नज़र आएगा, उसी पूरा कितना हैवी वीविंग किया हुआ है पूरा, यहाँ पर बॉर्डर में भी आपको रेशम का वीविंग मिलेगा, एंड दिस इज द बॉर्डर, तो फर्स्ट लेयर ऑफ बॉर्डर जो आंचल में मिलेगा उसमें रेशम का वीविंग है,
उसके साथ आपको गोल्डन कलर का मीनाकारी वर्क मिलेगा। दिस इज़ द थर्ड लेयर, उसमें भी सेम, और बीच में जो सेकेंड लेयर है उसमें आपको गोल्डन एंड सिल्वर जरी का दोनों कलर का मीनाकारी वर्क मिलेगा। और अभी मैं आप लोगों को बॉर्डर दिखा दूँ, बॉर्डर में भी आपको पूरा रेशम का वर्क आएगा एंड इसके साथ सिल्वर एंड गोल्डन जरी का अगेन फ्लोरल मोटिफ में दोनों कलर का मीनाकारी वर्क मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा ऑल ओवर साड़ी में ये बूटी आएगा, मिल जाएगा आप लोगों को, बहुत ही अच्छा है। एंड द फैब्रिक इज़ रियली लाइट वेट, कोरा का मज़ा तो इसका लाइट वेट में है। एंड इट लुक्स लाइक अ स्मॉल ट्री प्लांट, रादर लुक्स लाइक अ स्मॉल प्लांट। यहाँ पर ऑल ओवर साड़ी में ये मोटिफ नज़र आएगा एंड यहाँ पर फर्स्ट लेयर में आप लोगों को ये बॉल मोटिफ आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे डिटेलिंग है साड़ी में, जिसको ये इतना, मतलब जिसके लिए इतना स्पेशल बनाते हैं ये साड़ी को। ये जो डिटेलिंग है देखिए, सिल्वर जरी से पूरा आउटलाइन, यहाँ पर एक भी इंची का, एक भी मिलीमीटर का भी इधर उधर नहीं है, तो इतना रिफाइंड वीविंग है। एंड इसी के लिए कारीगरों को मैं बोलता हूँ कि थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लो, पर फिनिशिंग मुझे परफेक्ट चाहिए। तो ऑल ओवर साड़ी में ये वर्क आएगा, पूरा रेशम का बूटा है, कोरा बनारसी के साथ आपको मिल जाता है ये रेशम का बूटा एंड ऑल ओवर रेशम का वर्क। एंड ब्लाउज पीस पहले ही दिखा दिया एंड प्राइस भी आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। दिस इज अगेन अनदर साड़ी। एंड नक्शा मुगल वॉल्यूम 2 का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पे मेंशन करके बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, इट विल बी अ बिग सपोर्ट। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस अगेन। मैं आप लोगों को क्लोज अप दिखा दूँ, यू कैन सी यहाँ पर आपको बर्फी मोटिव का पूरा ऑल ओवर जकार्ड वीविंग आएगा, बर्फी मोटिव में ऑल ओवर जकार्ड वीविंग आएगा। दिस इज़ द ब्लाउज पीस एंड थ्रू आउट द ब्लाउज पीस में ये सेम मोटिव का वर्क मिल जाएगा, इट विल लुक वेरी नाइस। एंड द कलर इज रियली सो आई सूदिंग, वेरी नाइस लवली कलर, ये एकदम लाइट येल्लो कलर है, द लाइटेस्ट शेड ऑफ येल्लो। एंड उसके साथ यू नो येल्लो के साथ थोड़ा अगर वाटर को मिलाया जाए तो इट लुक्स लाइक दैट कलर, बहुत अच्छा कलर है, इट्स अ रियली लाइट पेस्टल शेड ऑफ येल्लो, बहुत अच्छा है। एंड इसका सिल्क मार्क सर्टिफिकेशन है और इसका प्राइस आ गया, प्राइस दिखा दे, 22,100 इसका प्राइस है। एंड यहाँ पर देखिए द डिज़ाइन एंड द मोटिव्स विच वी हैव यूज इज कम्प्लीटली ट्रेडिशनल, यू कैन सी दी आंचल यहाँ पर फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द थर्ड लेयर, बीच में आप लोगों को मिल जाता है ये ट्रेडिशनल बनारसी मोटिव। यहाँ पर नक्शा है मुगल एपिसोड आप लोग को इसीलिए बता रहा हूँ, यू कैन सी ऑल द डिज़ाइंस आर कम्प्लीटली ट्रेडिशनल, यहाँ पर पूरा मुगलाई नक्शा का आप लोग को नज़र आएगा जो थीम है। यहाँ पर क्लोज अप दिखा रहा हूँ, रेशम के साथ सिल्वर का वीविंग है, यहाँ पर एक भी धागा इधर उधर नहीं हुआ, यू कैन सी द वर्क रिफाइनमेंट। यहाँ पर नैरो बॉर्डर मिल जाता है एक तरफ जो कि पूरा रेशम में आएगा, यहाँ पर सिल्वर जरी का छोटे छोटे बूटे मिलेंगे आपको, सिल्वर जरी का ऑल्टरनेट करके एक सिल्वर जरी में मिलेगा एक रेशम में मिलेगा, तो एक सिल्वर जरी एक रेशम का ऐसे ऑल्टरनेट कलर करके मिलेगा। एंड दिस इज द बॉर्डर, मैं बॉर्डर दिखा दूँ, यहाँ पर भी पूरा एग्जैक्टली ऑल द फ्लोरल नक्शाज ऑफ यू नो मुगलाई टाइम, तो मुगल टाइम के हर नक्शे को हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं नक्शाए मुगल के सीरीज के साड़ियों में। एंड यहाँ पर ऑल ओवर साड़ी में ये बॉर्डर आ जाएगा एंड पूरा हर एक फ्लावर को हमने ऐसे सिल्वर जरी से हाईलाइट किए हैं। द कलर इज रियली आई सूदिंग, यू कैन सी ऑल द कलर्स विच वी हैव यूज्ड, बहुत अच्छा है। इस एपिसोड का हर कलर बहुत ही प्यारा है एंड दिस इज द एक्चुअल कलर, एकदम लाइटेस्ट शेड ऑफ येलो कलर है, बहुत प्यारा कलर है। एंड इसका प्राइस मैंने पहले ही बता दिया, जो साड़ी एकदम लाइटेस्ट शेड ऑफ येलो में दिखाए थे वही साड़ी का एकदम पिस्टेशियो ग्रीन कलर में दिखाएंगे आप लोगों को, बहुत ही प्यारा कलर है, शुरू ब्लाउज पीस से ही होगा। एंड इसका भी ब्लाउज पीस पूरा हेवी जकार्ड वीविंग में आएगा आपको नज़र, दिस इज़ द ब्लाउज पीस पूरा हेवी जकार्ड वीविंग में है आप लोग देख सकते हैं। एंड द बेस कलर ऑफ द साड़ी इज पिस्टेशियो कलर, यू कैन सी द बेस कलर ऑफ द साड़ी, ऑल द कलर्स आर मेड इन आर फ्यूजन स्टूडियो 100% एंड पूरा रेशम से वर्क है। दिस इज द ब्लाउज पीस जो कि एकदम आपको जकार्ड वीविंग में मिल जाएगा, दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी।
ऐसे ही देख सकते हैं आप लोग, पूरा बर्फी मोटिफ में हेवी जकार्ड वीविंग है थ्रू आउट द ब्लाउज पीस में, इक्वल मोटिफ का वर्क मिलेगा एंड दिस इज द आंचल। कौन से कलर बेटर है आप लोग प्लीज कमेंट में मेंशन करके बताइए। दोनों ही कलर, दोनों कलर ही बेटर है, चूज करना बहुत ही मतलब मुश्किल है, हम दोनों के लिए भी था, आप लोग भी हम लोगों को बताइएगा जरूर। एंड दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकेंड थर्ड लेयर एंड बीच वाला जो लेयर है उसमें आप लोगों को सेम मोटिव का वर्क मिल जाता है, बॉडी में आपका एक सिल्वर जरी एक रेशम का वीविंग में ऑल्टरनेट बूटा मिल जाता है एंड अगेन बॉर्डर में भी सेम नक्शा, यू कैन सी ऑल द डिज़ाइन मोटिव्स सेम टू सेम है, पर ऑल द डिज़ाइंस आर 100% ट्रेडिशनल, ऑल द डिज़ाइंस आर टेकन फ्रॉम बनारसी हिस्ट्री बुक्स वीविंग का। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑल द वीविंग जितना भी रिफाइनमेंट है आप लोगों को नज़र आएगा ये हर एक वर्क में। यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे, जितना छोटा वर्क होगा ना उतना आपको रिफाइनमेंट समझ आ जाएगा, क्योंकि बड़ा वीविंग करना ईजी होता है, जितना छोटा होगा काम उतना डिफरेंस मतलब प्रॉब्लम होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पर देखिए हर छोटा छोटा जो पत्ते का जो यू नो लीव्स है, इतना रिफाइनमेंट वीविंग है, इट्स रियली वेरी नाइस, वेरी सटल, वेरी नाइसली डन। एंड बेस फैब्रिक तो कोरा होगा 100% प्योर, पूरा सिल्क मग सर्टिफिकेशन के साथ आएगा आपको एंड ऑल ओवर साड़ी देख लेंगे। अभी कैसा लगा आज का एपिसोड प्लीज़ कमेंट पर मैंशन करके बताइएगा राइट, क्योंकि हम दोनों बहुत ही ईगरली वेट कर रहे हैं आप लोगों का फीडबैक के लिए, बहुत दिल से बना रहे हैं आज के एपिसोड, हर एपिसोड ही बनाते हैं पर आज कुछ ज़्यादा ही दिल से बना रहे हैं। एंड सिल्क मग सर्टिफिकेशन तो मिल जाएगा एंड इसका प्राइस भी 22,100। अगेन दिस इज थोड़ा सा मतलब वो रेशम में ज़्यादा था, अभी ये जरी में आप लोगों को दिखाएंगे। स्टार्ट होता है ब्लाउज पीस से, बहुत ही पेस्टल प्यारा कलर है, पेस्टल शेड ऑफ पिंक, उसके साथ ये देखिए ऑल द नक्शाज, मैंने जैसे ही कहा ऑल द मोटिव्स आपको एकदम ट्रेडिशनल मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केरी मोटिव का वर्क है, ये जो बॉर्डर है ये आप लोग स्लीव्स में इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लाउज का। एंड ब्लाउज पीस का फैब्रिक एडिक्वेट दिया हुआ है, कोई भी डिज़ाइन हो जाएगा। ब्लाउज पीस का हमने वर्क एकदम प्लेन रखा है क्योंकि साड़ी का बॉडी में एक मिलीमीटर भी गैप नहीं है, इसीलिए ब्लाउज पीस को थोड़ा हल्का रखा है टू मेंटेन द बैलेंस। यहाँ पर देखिए इट द कलर कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में मेंशन करके बताइए। पीच कलर के साथ पिंक कलर, पीच एंड पिंक, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना पीच पिंक, तो ये पीच कलर के साथ पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है। यू सी द आंचल फर्स्ट, पूरा ट्रेडिशनल, ऑल द डिज़ाइंस ऑल द मोटिव्स आर कम्प्लीटली ट्रेडिशनल। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यू कैन सी कितना क्लोज अप मैं आप लोगों को लेके दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पर देखिए पिंक कलर का मोटिव जो है वो कतान में है, ये बॉर्डर जो दिया हुआ है ये कतान में आएगा। यहाँ पर इंटरलॉक में वीविंग है एंड बॉडी में जो चेक्स आपको नज़र आ रहे हैं वो भी पूरा वीविंग में है। हर एक छोटे छोटे जो स्क्वेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, हर छोटा छोटा स्क्वेयर्स भी हम लोगों ने वीविंग में डाला है। सोचिए कितना मेहनत लगा होगा ये साड़ी को बनाने में। और उसके साथ आपको मिल जाता है ये मस्टर्ड कलर का इंची बॉर्डर एंड इसके साथ डबल लेयर ऑफ बॉर्डर मिलेगा एंड यही बॉर्डर आपका ब्लाउज पीस का स्लीव्स में भी इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है। एंड थ्रू आउट द साड़ी में आप लोगों को सेम ऐसे सेम वर्क मोटिव मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो पान मोटिव का वर्क है ये बीच बीच में हर चेक्स का बीच में दिया हुआ है और उसमें भी देखिए ब्रेक चेक्स दिया हुआ है। यहाँ पर पूरा चेक्स का जो लाइनिंग है ये पूरा वीव है और दोनों तरफ आपको ये बॉर्डर मिल जाता है, तो आप लोग समझिए कि कितना मेहनत लगा होगा ये साड़ी को बनाने में। सो दीज आर द माइनर डिटेलिंग, जैसे मानिए कि यहाँ पर हम लोग ये पूरा एक लाइन का भी लाइन दे सकते थे पर हम लोगों ने ये छोटे छोटे ब्लॉक करके दिया, तो इसी के लिए पूरा साड़ी का लुक पूरा चेंज हो गया। जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यू कैन सी द डिफरेंस, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होने पे वो फील कभी नहीं आता जो अभी आ रहा है। सो दीज आर द माइनर डिटेलिंग्स विच वी ऑलवेज यूज इन आवर साड़ीज एंड ऑल ओवर साड़ी में ऐसे ही इक्वल डेंसिटी में काम है, पूरा हेवी। एंड इसका प्राइस 21,465 ये साड़ी का प्राइस है। एंड मैं क्लोज अप दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही मेहनत करके वीव किए हैं हमारे कारीगरों ने, तो प्लीज़ कमेंट पे मेंशन करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। नाउ इट्स टाइम फॉर देवांजलिज
फेवरेट कलर, राइट? बहुत पेस्टल शेड्स देख लिए, अभी थोड़ा हो जाए मेरा फेवरेट कलर, राइट? सो द साड़ी स्टार्ट्स विद द ब्लाउज पीस, एंड अगेन जैसे कि मैंने कहा, हाउ इज द ब्लाउज पीस? आप लोग ब्लाउज पीस देखिए, दीज आर द थिंग्स विच वी एक्चुअली डू इन आर फ्यूजन स्टूडियो, एंड पूरा ऑल ओवर साड़ी में ये वीविंग में आएगा। सेम वीविंग का मोटिव जो है ये ऑल ओवर साड़ी का आंचल और बॉर्डर में भी आपको नजर आएगा, पर दिस इज द ब्लाउज पीस, ये कोई आंचल नहीं है, दिस इज नॉट एनी आंचल, यहाँ ये पूरा ब्लाउज पीस है। आप तो हाउ विल यू लुक, ये ब्लाउज पीस का ही लुक आपको पूरा चेंज कर देगा, आपका पूरा साड़ी का लुक ये जब ब्लाउज पीस बनाकर पहनेंगे। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी थिंक ऑफ, एंड यहाँ पर देखिए पूरा ऑल ओवर ये जो है रेशम का वर्क है, मैं पूरा क्लोज अप दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा रेशम का वीविंग है, मैं क्लोज अप जाके दिखा रहा हूँ, पूरा हैंड वोवन है। ये बेस फैब्रिक तो कोरा बनारसी है ही, एंड देवांजलिज फेवरेट कलर ब्लैक, सो वेरी नाइस कलर। उसके साथ ये देखिए वाइट कलर का वर्क बहुत ही अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है प्लीज़ आप लोग कमेंट पे मेंशन करके तो ज़रूर बताइए। पर बीच में जो ये मोटिफ आ रहा है, ये जो बूटा है, ये सिल्वर जरी में है, बीच में ये देखिए एकदम डार्क सिल्वर जरी में है, डार्क सिल्वर जरी, वो ऑक्सीडाइज सिल्वर, एक्चुअली ये ऑक्सीडाइज सिल्वर कलर का बूटा में जरी इस्तेमाल किए हैं, पर बॉर्डर में आप लोगों को मिल जाएगा रेशम का वीविंग। यहाँ पर मैं क्लोज अप दिखा रहा हूँ, और हर रेशम का वीविंग में भी हर एक फ्लावर का देखिए बीच बीच में आपको ये बीच बीच में आपको मीनाकारी वर्क भी मिलेगा। जैसे कि देखिए दीज आर द माइनर डिटेलिंग्स, ये नहीं देने से भी चलता, पर ये हम लोगों ने दिया क्योंकि जब ये साड़ी आप पहनेंगे ना, द कंप्लीट लुक विल मेक अ डिफरेंस। तो यही थोड़ा थोड़ा माइनर डिटेलिंग्स का ही हम लोग ध्यान रखते हैं। दिस इज ऑक्सीडाइज सिल्वर कलर का बूटा हम लोगों ने जो पूरा ऑल ओवर साड़ी में दिया है, क्योंकि इट लुक्स रियली नाइस विद ब्लैक, इट गोज रियली वेल। एंड यहाँ पर देखिए इंची बॉर्डर है जो कि दोनों तरफ आपको मिल जाता है बॉर्डर का, एंड बॉटम पोर्शन में तो ये बॉर्डर पूरा ऑल ओवर साड़ी में जा ही रहा है, और ब्लाउज पीस का भी थीम सेम ही है। ऑल ओवर साड़ी हम लोगों ने अभी देख लिया, एंड बूटा बहुत ही प्यारा है, एंड सी द फिनिशिंग ऑफ द बूटाज, ऑल द बूटाज विच वी डिड, कितना रिफाइनमेंट है वीविंग में। सिल्क मार्क सर्टिफिकेशन ऑफकोर्स होगा, क्योंकि आज के एपिसोड का हर साड़ी में सिल्क मार्क सर्टिफिकेशन मिलेगा, एंड इसका प्राइस मिलेगा आपको 20,650 ये साड़ी का प्राइस है। दिस इज अगेन अनादर पीस, नक्शा मुगल वॉल्यूम 2 का अनादर पीस, कोरा बनारसी स्पेशल है आज का एपिसोड, एंड स्टार्टिंग विद द ब्लाउज पीस फर्स्ट। वाओ, I am in love with the sarees. You know the blouse piece is so nice, so refined. यहाँ पर देखिए पूरा जूट का वर्क है, the work which we have done is completely based on jute fabric. ब्लाउज पीस का फैब्रिक जो है कतान के ऊपर हम लोगों ने जूट से वीव किए हैं। तो यहाँ पर आपको जो वर्क आएगा नज़र, these are hand weaved, पूरा all over साड़ी में आपको जूट का वीविंग मिलेगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पूरा जूट का वीविंग है, पूरा कतान के ऊपर ब्लाउज पीस में हैंड वोवन इन जूट। यहाँ पर देखिए क्लोज अप कतान के ऊपर जूट के साथ कितना अच्छा लग रहा है, एंड द रिफाइनमेंट ऑफ द वर्क, यहाँ पर देखिए द डेंसिटी ऑफ द वीविंग, पूरा ऑल ओवर ब्लाउज पीस में वर्क है, एंड जब आप लोग बनाएंगे ब्लाउज पीस यू विल लुक फैबुलस। एंड इस साड़ी में सबसे बड़ी बात यह है कि नॉट ओनली वी प्लेड विद कलर्स, वी एक्चुअली प्लेड विद फैब्रिक ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर आपको कतान का मिल जाता है, कतान का सैटिन फिनिश में मिल जाएगा, एंड वी हैव प्लेड विथ कलर्स ऑल्सो, यू कैन सी ऑरेंज एंड पिंक कलर, मीनाकारी वर्क, एंड द बॉर्डर यहाँ पर ये भी जूट में है। यहाँ पर देखिए वी हैव यूज जूट अगैन, क्योंकि ब्लाउज पीस जूट में है, कतान के साथ जूट का वीविंग है, एंड यू विल गेट दिस डबल लेयर ऑफ बॉर्डर अगैन, एंड द बेस कलर ऑफ द साइड थोड़ा ऊँचा करो, येस ये फ्रेम को हटाने का ही मन नहीं कर रहा है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये फ्रेम को हटाने का मन नहीं कर रहा है, इट लुक्स रियली अमेजिंग, इतना अच्छा लग रहा है ये साड़ी, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट पे मेंशन करके बताइए। क्योंकि हम लोगों ने जूट का बहुत इस्तेमाल किए हैं, तो ये साड़ी का जो बूटा है ये इस पर भी आपको जूट का बहुत वर्क नज़र आएगा, क्योंकि हर एक बूटा को हमने जूट से ही वीव किए हैं। यहाँ पर देखिए फ्लावर का जो ब्रांचेज है उसको हमने जूट से डाला है, एंड यहाँ पर रेशम से डाला है, जो मीनाकारी कलर इस्तेमाल किए हैं, दो कलर का मीने है, ओनली फॉर द कलर्स, ओनली फॉर द फ्लावर्स वी हैव यूज रेशम,
एंड लीव्स एंड ब्रांचेस जूट का इस्तेमाल है। यहाँ पर बॉर्डर में भी जूट का इस्तेमाल है, यहाँ पर बूटा में भी जूट का इस्तेमाल है। बेस फैब्रिक जो है वो कोरा है, यहाँ पर बॉडी का बॉर्डर का बेस फैब्रिक कतान है। तो कतान, कोरा, जूट, तो तीनों फैब्रिक का इस्तेमाल है। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में मेंशन करके बताइए। दिस इज वन ऑफ अ काइंड पीस, फ्यूजन स्टूडियो में डेवलप हुआ, कलर इज रियली नाइस, एकदम डिफरेंट शेड ऑफ येलो है, आप लोग देख सकते हैं। दिस इज अ डिफरेंट शेड ऑफ येलो, कम्प्लीटली मेड इन आवर फ्यूजन स्टूडियो। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डू, आई लव टू प्ले विथ कलर्स एंड ऑफ कोर्स फैब्रिक। एंड आप लोग इंस्पायर करते हैं कि डिज़ाइंस अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, वो फीडबैक देके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई वर्क। एंड यहाँ पर देखिए क्लोजअप, पूरा ऑल ओवर साड़ी में ये आपको डबल लेयर का बॉर्डर मिलेगा, एंड सेकेंड लेयर में पूरा ऑल ओवर साड़ी में ये मीनाकारी वर्क मिलेगा। एंड इसका प्राइस है 25,990 इज़ द प्राइस ऑफ द साड़ी। एंड अनादर थिंग विच आई एक्चुअली फॉरगॉट टू से, यस अनादर थिंग विच देवांजलि वॉन्ट्स टू एड इज, जो ये बोला भूल गई थी, यस साड़ी में इतना सारी जरी नहीं है, दिस साड़ी इज कंप्लीटली विदाउट एनी जरी, मेरे ख्याल में तो सबसे ज्यादा गॉर्जियस लग रहा है। एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ द कलर्स, यू नो द कलर के लिए ये जरी का दरकार ही नहीं है ये साड़ी में, क्योंकि कलर्स ही इसको इतना ब्राइट बना दे रहा है। एंड इसका प्राइस 25,990। दिस इज अगेन अनदर साड़ी फ्रॉम दिस एपिसोड, एंड ये देवांजलि का बहुत ही पसंदीदा पीस है, ऑफकोर्स मेरा तो है ही, क्योंकि इसीलिए डिज़ाइंस को भी अप्रूव किए हैं, बहुत अच्छा है। लेट्स स्टार्ट विद द ब्लाउज पीस फर्स्ट, एंड ब्लाउज पीस में आपको नज़र आएगा कुछ काम तो ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि फ्यूजन स्टूडियो में हर पीस में हम लोग ब्लाउज पीस में कुछ ना कुछ एडिशन रखते हैं। एंड दिस इज़ द ब्लाउज पीस, यहाँ पर सिल्वर जरी का इस्तेमाल है, द बेस कलर इज़ लैवेंडर कलर, बेस कलर इज पेस्टल लैवेंडर कलर, बेस कलर इज पेस्टल लैवेंडर कलर। एंड यहाँ पर देखिए ये कोरा बनारसी जामदानी है, दिस इज़ अ फ्यूजन स्टूडियो पीस, कोरा बनारसी जामदानी। एंड इसमें आप लोगों को नज़र आएगा दिस सिल्वर जरी वर्क, मैट फिनिश्ड गोल्डन जरी रादर, ब्लाउज पीस में आपको मैट फिनिश्ड थोड़ा सिल्वर एंड गोल्डन का मिक्सचर आएगा, पर साड़ी में आपको पूरा मैट फिनिश्ड गोल्डन जरी का वर्क आएगा। एंड दिस इज़ द मीनाकारी वर्क, एंड दिस इज द ऑल ओवर जामदानी वर्क, दिस इज अ कोरा बनारसी जामदानी विच वी मेड इन आवर फ्यूजन स्टूडियो, बिकॉज बंगाल का जामदानी वर्क को भी हमने बनारस में ले लिया है। एंड दिस इज वॉट वी एक्चुअली गॉट, दिस इज द फाइनल पीस, जो बनाने के बाद कैसा लग रहा है वो तो आप लोग बताएंगे। एंड दिस इज द आंचल, यहाँ पर देखिए मैट फिनिश्ड गोल्डन जरी का इस्तेमाल है, बेस फैब्रिक इज कोरा, और जामदानी में जितना भी फ्लोरल वर्क है उसके हर बीच में, मिडल में हर फ्लोरल का फ्लावर का हम लोगों ने मैट फिनिश्ड गोल्डन जरी से मीनाकारी वर्क किया है। सो दीज आर द डिटेलिंग्स, एंड यहाँ पर देखिए इंटरलॉक का वीविंग है, एंड यहाँ पर भी देखिए मीनाकारी वर्क है। तो ऑल ओवर साड़ी में ये इक्वल डेंसिटी में वर्क है, जामदानी वर्क। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस, वेरी नाइसली डन, दिस इज द ब्लाउज पीस विथ हैवी वर्क, छोटा छोटा बूटी, एंड यहाँ पर दिस इज द जामदानी वर्क। तो ऑल ओवर साड़ी देख लेंगे अभी हम लोग, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मेंशन करके बताइए, क्योंकि आज का एपिसोड हम दोनों का बहुत स्पेशल एपिसोड है। प्लीज़ गाइड अस सो दैट वी कैन इम्प्रूव इन डिज़ाइन एंड फिनिशिंग एंड ऑल। एंड दिस इज़ द यू नो एपिसोड जो हमने बनाया कि अभी तक हमारा कितना प्रोग्रेस हुआ है वो आप लोगों को दिखाने के लिए, कि आप लोगों का गाइडेंस से हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। तो दिस इज़ अ ऑल ओवर साड़ी जामदानी वर्क, सिल्क मग सर्टिफाइड ऑफ कोर्स, एंड इसका प्राइस है 19,485 ये कोरा बनारसी जामदानी का प्राइस है। ये और एक साड़ी है जो कलर हम दोनों को बहुत पसंद आया, और हम लोग दोनों ने मतलब ये डिस्कस किया कि ये कलर को तो और एक साड़ी में यूज़ करना ही है जरी के साथ, क्योंकि ये कलर का एक साड़ी आप लोगों को दिखाया जो बिना जरी का था, और ये कलर को और एक साड़ी के साथ दिखा रहे हैं जो जरी के साथ है। बट लेट्स स्टार्ट विद द ब्लाउज पीस फर्स्ट, यहाँ पर देखिए यू दिस इज द ब्लाउज पीस अगेन, यू विल गेट दिस बॉर्डर जो कि स्लीव्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दिस इज द बेस फैब्रिक, उसमें भी ये स्ट्राइप नज़र आएगा, और ये हर एक स्ट्राइप ना बॉर्डर है, ये जो स्ट्राइप आपको नज़र आ रहा है ये स्ट्राइप के अंदर, दिस इज अ नैरो बॉर्डर, ये कोई भी साड़ी का मतलब एंड में अगर हम लगा दें तो इट विल लुक लाइक अ नैरो बॉर्डर। तो ये नैरो बॉर्डर का वीविंग है पूरा ब्लाउज पीस में,
एंड द बेस फैब्रिक इज सो प्यारा कलर। प्लीज कमेंट में मेंशन करके बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। एंड यू नो ऑल द साड़ी में जितना भी ऑल द जरी का इस्तेमाल है, एंटिक जरी का इस्तेमाल है। एंड यहाँ पर ब्लाउज पीस में कितना रिफाइनमेंट है वर्क में, देखिए ये जो स्ट्राइप्स है ये पूरा इटसेल्फ इज अ बॉर्डर। एंड यहाँ पर देखिए बेस फैब्रिक टेक्सचर, ये कोरा का डेंसिटी देखिए, फैब्रिक का वीविंग टेक्सचर देखिए, दिस इसी से आप लोगों को पता चल जाएगा के फैब्रिक का फिनिशिंग कैसा है। एंड इसके साथ पूरा ऑल ओवर साड़ी में ये फ्लोरल बूटा आएगा, पर उसमें आप लोगों को ये सिल्वर एंड गोल्डन जरी का नजर आएगा। यू कैन सी सिल्वर एंड गोल्डन जरी का यू नो फ्लोरल बूटा है। यहाँ पर एंटिक जरी के साथ सिल्वर जरी का इस्तेमाल है। एंड बॉर्डर तो ट्रेडिशनल बनारसी बॉर्डर, मैं थोड़ा क्लोज अप आप लोगों को दिखाऊं, दिस इज द बॉर्डर। उसके साथ आप लोगों को मिल जाएगा ये बॉडी में बूटा। यहाँ पर देखिए एंटिक जरी के साथ सिल्वर जरी का वर्क है, यहाँ पर भी देखिए एंटिक जरी के साथ सिल्वर जरी, तो पूरा ऑल ओवर साड़ी में ये इस्तेमाल है। एंड हाउ इज़ द कलर, दिस इज़ द एक्चुअल कलर ऑफ द साड़ी, वेरी नाइसली डन। ऑल ओवर साड़ी देख लेंगे, दोनों तरफ आप लोगों को बॉर्डर मिल जाता है। एंड पूरा साड़ी में जितना भी इस्तेमाल है पूरा एंटिक जरी है, पर अभी आँचल दिखाएंगे आप लोगों को। This is the Aanchal overview. Please tell me आप लोगों को कैसा लग रहा है। There is a three layer Aanchal, first layer, second layer, third layer. So we have used three layer of Aanchal and throughout the saree में equal density का work है। तो this is the complete wide look of the saree. एंड प्लीज़ कमेंट पे मेंशन करके बताइए ये कलर हम लोगों ने और एक साड़ी में इस्तेमाल किए हैं जिसमें हम लोगों ने जरी डाला है। तो थ्रू आउट द साड़ी में हम लोग देख लेंगे पूरा ऑल ओवर। एंड ब्लाउज पीस तो पहले ही दिखा दिया था, एंड प्राइस भी देख लेंगे साड़ी का, पर पहले हम लोग पूरा ऑल ओवर साड़ी देख लेते हैं। एंड तक आप लोग को काम नज़र आएगा, एंड पूरा बूटा का वर्क का फिनिशिंग जो है यहाँ पर मैं क्लोजअप दिखा रहा हूँ। All the weavings are very nicely done, and see the color hues. Yeah, this is the color hue of the saree, very nicely done, and this is the finishing of the border. Kitna heavy density ka zari ka work hai, aap log dekh sakte hain border mein. And the price of the saree is 23,690 is the price of the saree. So, Naksha-e Mughal Volume 2 ka episode aap log ke liye banaya. Kaisa laga? Matlab, please comment pe mention karke bataiye. और आप लोगों को ये तो पता ही है कि एपिसोड जब बन रहा है उसमें दीवांजलि का शोस्टॉपर साड़ी जरूर रहेगा। सो शोस्टॉपर साड़ी दिखाने से पहले आई होप कि आपको ये साड़ी पसंद आएगा। और एक और चीज़, प्लीज़ साड़ी के प्राइस में मत जाइए। अगर आप लोगों को पता है कि कोरा बनारसी साड़ी का वैल्यू क्या है एक्चुअली, और हैंडक्राफ्टेड साड़ीज, और अगर आप लोगों ने कभी किसी जगह पे देखा भी है तो आप लोगों को पता होगा कि ये सभी साड़ी का एक्चुअली दिस प्राइसेस आर नथिंग कम्पेयर टू द हार्ड वर्क दिस वीवर्स हैव पुट इन मेकिंग ईच एंड एवरी साड़ी। एंड कितना वक्त लगा है ये सब बोलना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज इतना मेहनत, इतना टाइम के बाद जो फाइनल पीस रेडी होकर आया है वो पीस सभी मेहनत और इतना टाइम मतलब यूज़ करना जो भी इसके ऊपर था वर्थ इट है कि नहीं। एंड मुझे लगता है दिस इज कम्प्लीटली वर्थ इट जो साड़ी फाइनली रेडी होकर आया है। ओके, लेट्स सी। सो टुडेज शोस्टॉपर साड़ी, दीवांजलि'स शोस्टॉपर साड़ी नक्शा मुगल वॉल्यूम 2, दैट इज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। And already I can see it is very special in the blouse piece. This is the blouse piece of the saree and the base color is so lovely, very eye soothing base color. पर उससे पहले मैं आप लोगों को पहले ब्लाउज पीस दिखाऊं। यू कैन सी पूरा ऑल ओवर ब्लाउज पीस में ये हेवी वर्क है। दिस इज द ब्लाउज पीस, पर द ब्लाउज पीस लुक्स लाइक एन आंचल इटसेल्फ ऑफ एनी अदर साड़ी फॉर दैट मैटर। दिस इज द ब्लाउज पीस। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि व्हेन यू विल वीव दिस ब्लाउज पीस, आप जब पहनेंगे जस्ट साड़ी का लुक इमेजिन कीजिए। दिस इज द ब्लाउज पीस। थ्रू आउट साड़ी में ये सिल्वर जरी का वर्क आएगा, बट मैट फिनिश्ड सिल्वर जरी का वर्क आएगा पूरा ऑल ओवर। एंड यू कैन सी द रिफाइनमेंट ऑफ द वर्क एंड द डेंसिटी ऑफ द वर्क। ट्रिपल जरी का काम है, ये सिंगल लेयर जरी का नहीं, थ्री लेयर्स ऑफ जरी का काम है यहाँ पर देखिए। इसीलिए वीविंग का डेंसिटी का थिकनेस देखिए, दिस इज द क्लोज व्यू। एंड ऑल ओवर साड़ी में अभी देख लेंगे, दिस इज द ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस मैंने पहले आप लोगों को दिखा दिया। एंड ये तो बोलने से रहा कि ये साड़ी हैंडलूम वर्क एंड सिल्क वर्क सर्टिफाइड होगा, क्योंकि दिस
is the Naqshae Mughal Volume 2 Showstopper Sari, and this has to be special, and it is special indeed. This deserves to be a showstopper itself. See the wide view of the sari. यहाँ पर देखिए आंचल, दिस इज द आंचल. यहाँ पर क्लोज अप दिखा दूँ आप लोगों को, रिवर्स मोटिफ में नजर आएगा. रिवर्स मोटिफ में ये बूटा नजर आएगा एंड दिस इज द बॉर्डर. ये बॉर्डर में आपको मीनाकारी वर्क आएगा, पर ये एंटिक. यहाँ पर देखिए डार्क एंटिक जरी का इस्तेमाल है. यहाँ पर मैट फिनिश्ड गोल्डन जरी का इस्तेमाल है. बेस में सिल्वर जरी. तो थ्री कलर्स ऑफ जरी विच वी हैव यूज्ड. बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इस साड़ी के पीछे. एंड जैसे कि मैंने कहा नक्शाए मुगल, तो यू कैन सी ऑल दिस फ्लोरल मोटिव्स एंड द डिज़ाइंस एंड यू नो पैटर्न्स. दीज आर ऑल टेकन फ्रॉम ट्रेडिशनल मुगलाई नक्शा. तो थ्रू आउट द साड़ी में यही सेम थीम कंटिन्यू होता है. एंड बनारसी का वीविंग का जब आप हिस्ट्री बुक्स देखेंगे तो यू कैन फाइंड दिस डिज़ाइंस. एंड बॉर्डर में दोनों तरफ, यहाँ पर देखिए मैट फिनिश्ड गोल्डन जरी, यहाँ पर एंटिक जरी. वन बूटा इज यू नो मीनाकारी वर्क है मैट फिनिश्ड गोल्डन जरी, एक बूटा है एंटिक जरी. तो ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा है एंड पूरा हैंड वोवन है. मैं रिवर्स साइड भी दिखा दूँ आप लोगों को. यू सी द रिफाइनमेंट ऑफ द वीविंग, कितना माइन्यूटली वीव किए हैं. इंची बॉर्डर का कलर भी सेम दिए हैं, क्योंकि बहुत ही एलिगेंट पीस है, बहुत ही क्लासी पीस है. सो यहाँ पर अभी जाते हैं बॉडी का. यहाँ पर जो फ्लोरल मीना है, दिस इज रेशम. फ्लोरल मीना इज रेशम. चॉकलेट फज कलर का मीनाकारी वर्क है. दिस इज आप लोग देखिए एकदम ऑरेंज कलर है. यहाँ पर अगेन चॉकलेट फज, यहाँ पर पिस्टैशियो ग्रीन. सो डिफरेंट कलर्स विच वी हैव यूज्ड. और जितना हर एक कलर जब इस्तेमाल करेंगे ना, नया कोई थ्रेड कलर डालेंगे तो उसका भी हम लोगों को अलग से वीविंग प्रोसेस में डालना होता है. तो जितना कलर हम लोग इस्तेमाल करेंगे उतना मेहनत वाला काम है, उतना टाइम ज़्यादा लगता है. सो बेस फैब्रिक इज अगेन कोरा बनारसी. एंड दिस इज द डिज़ाइन, जो कि प्लीज़ आप लोग कमेंट पे मेंशन करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा. I am really very excited to know. I am really my fingers are crossed. Trust me, my fingers are crossed. I hope आप लोगों को अच्छा लगे. And the base fabric में जितना भी all over नक्शा आप लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, these are all matte finished silver zari. And the base color is really very eye soothing. Sky एकदम sky blue color के साथ lavender color का हम लोगों ने Fusion Studio में टोन ऑन टोन डाला है. तो दो ह्यूज को मिला के हम लोगों को, यू कैन नॉट से whether this saree is lavender or blue, it's both, क्योंकि दोनों कलर का ह्यू का हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं. एंड आरजीबी टोन हम लोग डेफिनेटली आप लोगों को शेयर करना चाहेंगे तो हम लोग जरूर बताएंगे. यहाँ पर देखिए आप लोगों को ये कलर नजर आएगा. दिस इज द बेस कलर ऑफ द साड़ी. थ्रू आउट द साड़ी में ये कलर तो है ही. एंड ऑल द कलर्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ मीनाकारी वर्क भी नजर आ रहा है आप लोगों को. एंड डिफरेंट जरी कलर्स ऑल्सो. सो आप लोगों को ये साड़ी में तीन कलर का मीनाकारी रेशम वर्क मिलेगा. हर फ्लोरल बूटा में तीन कलर का जरी का मीनाकारी वर्क मिलेगा. सिल्वर जरी, एंटिक जरी एंड मैट फिनिश गोल्डन जरी. एंड चार कलर, ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, मस्टर्ड, यहाँ पर देखिए ब्राउन एंड ऑरेंज, यहाँ पे चॉकलेट फज ऑरेंज. तो चार कलर का आप लोगों को बॉडी में मीनाकारी वर्क मिलेगा. चार कलर का बॉडी का मीनाकारी वर्क मिलेगा एंड तीन कलर का जरी का इस्तेमाल है. सो दिस साड़ी ऑफकोर्स डिजर्व टू बी अ शो स्टॉपर. नाउ आई विल शो यू द प्राइस. सो प्राइस ऑफ द साड़ी इज 38,130 is the price of the saree. So, see, my fingers are crossed. Yeah. तो हम दोनों का fingers crossed है. बहुत high expectations है. आप लोगों को अच्छा लगेगा इस बारे में. अगर अच्छा लगा प्लीज कमेंट पे मेंशन करके बताइए. अगर नहीं अच्छा लगा वो जरूर मेंशन करके बताइए. वो भूलिएगा मत,
इट रियली हेल्प्स मी अलॉट टू इम्प्रूव, हेल्प्स अस अलॉट टू इम्प्रूव. एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब आवर चैनल. अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, इट विल बी अ बिग सपोर्ट. एंड नक्शा मुगल वॉल्यूम 2 का एपिसोड कैसा लगा पूरा बनारसी के ऊपर वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा. वी आर रियली वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट अस ऑन दिस, वेरी ईगर टू नो. एंड बहुत जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में हमारे फेसबुक लाइव में तो मिलेंगे ही, पर हमारे नेक्स्ट वीक का हिंदी सीरीज में भी मिलेंगे. पर आज के एपिसोड में हर वीवर का फिंगर का, हर वीवर का हाथ का, मतलब ईच एंड एवरीथिंग ये साड़ियों के साथ जुड़ा हुआ है. तो फीडबैक जरूर दीजिएगा प्लीज. एंड हो सके जिन्होंने काट कर एपिसोड देखा है तो प्लीज काट कर मत देखिए, सेकेंड टाइम वॉच कीजिए, पूरा एपिसोड देखिए. आज के एपिसोड आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा ऐसा मेरा मानना है. अगर नहीं लगा प्लीज मेरा जो वैम है वो खत्म कर दीजिएगा कमेंट में मेंशन करके. सो एनीवे सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट एपिसोड, और उससे पहले मिलेंगे फेसबुक लाइव में. फेसबुक लाइव हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज में होता है जो कि शाह टेक्सटाइल के नाम से है, एवरी संडे फ्रॉम 5 PM. प्लीज ज्वाइन अस इफ यू आर फ्री, एंड इफ यू आर नॉट फ्री प्लीज वॉच रिकॉर्डेड, प्लस प्लीज डू वॉच इट इफ यू गेट सम टाइम, जो कि आपका इतना बिजी स्केड्यूल को मैनेज करने के बाद. बहुत जल्द मिलेंगे हमारे फेसबुक लाइव में, सी यू देन. एंड नेक्स्ट वीक का हिंदी सीरीज के लिए कोई सजेशंस हो तो प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ड्रॉप योर कमेंट्स. एंड टिल देन टेक केयर, स्टे गुड, गॉड स्पीड एवरीवन. एंड वी आर ऑल रेडी फॉर फेस्टिव सीजन, एंड वी आर वेरी होपफुल दैट थिंग्स विल गेट स्टेबल वेरी सून. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, पीस, बाय एवरीवन.